भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुआ, जिसके संबंध में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पिछड़े वर्ग मोर्चा ने तय किया है कि अब की बार प्रदेश में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिसके दम पर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ओबीसी मोर्चा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, जिससे पार्टी मजबूत हो रही है। बैठक में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा, करने के लिए मंशा है और हमारे क्षेत्र मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आप बताइए अध्यक्ष जी, अरे आप सब लोग बैठ जाइए। महामंत्री रूप में आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष रहे हैं, ये महामंत्री का स्वागत भाषण के द्वारा स्वागत करेंगे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आनंद सिंह राम चौधरी जी। इस कार्यक्रम में प्रदेश से चल करके आए, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर काम कर एक बहुसंख्यक समाज को लीड करने की जिनको जिम्मेदारी है, मंच पर मौजूद मसलों से चल करके आए, भाजपा के विभिन्न दायित्वों पर काम करते हुए उपाध्यक्ष हमारे भाई आदरणीय भास्कर निषाद जी मंच पर मौजूद, जिनके नेतृत्व में सोशल मीडिया का काम देख रहे हैं सामने जी, जिले के अध्यक्ष उनकी दो की महामंत्री की टीम टोटल 36 इस क्षेत्र में निवास करने वाले धन्यवाद। 17 में प्रदेश की भाजपा सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल में विकास से पहले स्तर पर दौड़ने लगे, जहाँ केंद्र में मोदी जी की सरकार ने 70 वर्षों से लंबित राष्ट्रवादी मुद्दों को पूरा किया, जैसे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 35 से 3 तलाक को हटाने का कार्य किया, वहीं वन रैंक वन पेंशन राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले को CAA को सांप्रदायिक दंगे राजनीति छेड़छाड़ व असंगठित अपराध। आज गोरखपुर क्षेत्रीय कमेटी की बैठक ओबीसी मोर्चे के द्वारा बुलाई गई है और लक्ष्य जैसा कि ओबीसी मोर्चे ने तय किया है कि अब की बार फिर 300 के पार के लक्ष्य को लेकर ओबीसी मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों की 52% से अधिक आबादी को प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से उनको ज्ञान कराने के लिए उनको अवगत कराने के लिए यह अभियान हमारे प्रांतीय स्तर पर चल रहा है। और खुशी की बात है कि गोरखपुर में आज हमारे मोर्चे के पदाधिकारियों की 100% उपस्थिति इस बात को दर्शा रही है कि ओबीसी मोर्चा सशक्त मजबूत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक और राजनीतिक शक्ति में इजाफा हुआ है। और जिस तरह की प्रदेश की जनता कल्पना कर रही है, फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सौंपने की आशा है कि उस तरह की प्रदेश की आकांक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी फिर से खरा उतरने वाली है। तो ओबीसी मोर्चा अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारी सफलता की तैयारी के लिए अपनी भूमिका को अदा कर रहा है। और जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह जोश देखने के लिए मिलता है, निश्चित 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी और उत्तर प्रदेश के कायाकल्प के लिए जो बाकी कार्य बचे हैं उस सबको पूरा करने का प्रयास करेगी। विपक्षी पार्टी के लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, कोई अभियान नहीं है। सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में जितने बड़े स्तर पर ओबीसी वर्गों के कल्याण के लिए संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति हुई है,
राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी मिली है, संगठन में हिस्सेदारी मिली है। तमाम उत्तर प्रदेश और देश के पिछड़े वर्गों के लोगों ने यह महसूस किया है कि इतनी बड़ी हिस्सेदारी, इतने सारे संवैधानिक अधिकार, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का विषय हो, चाहे उत्तर प्रदेश और देश के 27 ओबीसी सांसदों को मंत्री बनाने का विषय हो, नीट में 27% रिजर्वेशन लागू करने का विषय हो, या उत्तर प्रदेश में सरकार की हर योजनाओं का लाभ पिछड़े वर्गों को देने का विषय हो, यानी हर विषय पर ओबीसी वर्ग के लोग ये महसूस करते हैं कि देश और प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकारों में जो पिछड़ों को हक, अधिकार, संवैधानिक शक्तियां मिली हैं वो कभी नहीं मिली हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का समस्त पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से अधिक मेहनत और पहले से अधिक सामर्थ्य के साथ जुड़ा है। विरोधियों का आरोप निराधार है। विरोधियों को मालूम है कि उन्हें अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने में भी संकट पैदा हो रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या छोटे मोटे दल हो, उनके सामने अपने अस्तित्व को बचाने का संकट है और भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में पुनः सत्ता में आने का प्रबल अभियान है।